नमस्कार फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, विशेष रूप से अंग्रेजों के समय में जो विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम। फर्स्ट इसमें आता है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स, द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसके बाद 1784 में विलियम जॉन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहा है और इसके समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। इसके बाद हम देखते हैं 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना बनारस में की गई है। अभी तक हमने देखा अंग्रेजों ने अपने शिक्षा का जो स्थान है वो बंगाल यानी कलकत्ता को चुना हुआ था, लेकिन अभी जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई है, वो भी बनारस में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1800 में विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे हम फोर्ड कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना वेलेजली के काल में की गई थी और इसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1820 में डेविड हेयर द्वारा बिशप कॉलेज की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि विदेशी लोगों के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए क्या कुछ किया गया था। अगर हम अपने भारतीय लोगों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय। उनके द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, राजा राम मोहन राय उन्हीं के साथ डेविड हेयर और ईस्टर्न मोदे के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और आने वाले समय में यही कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में सामने आया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार के लिए क्या कुछ किया था। अंग्रेज ये समझते थे कि भारत जैसा विशाल साम्राज्य उनको ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्राप्त हुआ है, इसीलिए अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने की अनुमति दी। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इन्होंने कलकत्ता को अपना क्षेत्र बनाया हुआ था और कलकत्ता का ही एक स्थान है श्री रामपुर। यहाँ पर बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये देखा कि अंग्रेजों ने क्या कुछ किया है। अभी हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए क्या कुछ किया था। अंग्रेजों की बात की जाए तो ये कुछ जो कि उन्होंने किया था वो अपने मनसूबों को पूरा करने के लिए किया था, यानी कि उनको भारत में एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो रंग रूप से चाहे भारतीय हो लेकिन अपने मनोभावों और व्यवहार से यूरोपीय ही होना चाहिए।
इसी तरह अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि भारत में साहित्य और भाषा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएं। इस 1,00,000 रुपए को व्यवस्थित रूप से खर्च करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था लोक शिक्षा समिति। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ये जो समिति बनाई गई थी इसमें कुल 10 सदस्य थे, लेकिन सभी के विचार आपस में एक जैसे नहीं थे। ये 10 सदस्य दो भागों में बटे हुए थे, उनमें से एक भाग प्राच्य शिक्षा या प्राच्य विद्या कह दिया जाए उसका समर्थक था और दूसरा अंग्रेजी शिक्षा का। प्राच्य शिक्षा को महत्व देने वाले शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी रखना चाहते थे और अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर यूरोपीय ज्ञान को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। प्राच्य शिक्षा की बात की जाए तो इसके समर्थकों में नाम आता है H.T. प्रिंसेस। और अंग्रेजी शिक्षा में H.H. विल्सन। ये भाषा विवाद कुछ ज्यादा ही गहरा गया था और इसी को शांत करने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के एक व्यक्ति जो कानून के प्रख्याता थे लॉर्ड मेकाले, जो कि विधि सदस्य भी थे, इनको इस समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया गया। इनका कार्य था भाषा विवाद पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम ही सही रहेगा, यानी कहने का मतलब है इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसे हम मेकाले मिंट्स के नाम से जानते हैं। ये रिपोर्ट इन्होंने 1935 में प्रकाशित की थी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होता रहा है, अगर भारत में मेकाले की नियुक्ति पूछ ली जाए तो 1933 बताना पड़ेगा और मेकाले मिंट्स पूछ लिया जाए तो 1935 बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि 1813 के चार्टर एक्ट में किस तरह शिक्षा के लिए कार्य किया गया। अभी मेकाले जो चाहता था वो कार्य पूरा नहीं हुआ था। उसकी सोच के अनुसार भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा ही प्रचलित होनी चाहिए। उसके इस कार्य को जिसने पूरा किया उस व्यक्ति का नाम है ऑकलैंड। ऑकलैंड ने जो सिद्धांत दिया उसे हम अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मेन है ऑकलैंड के अनुसार पहले उच्च वर्ग को यानी कि अमीर वर्ग को शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से जन साधारण को शिक्षित किया जाए, ये व्यवस्था लागू की गई। अभी एक फेमस उक्ति है मेकाले की, उसे जान लेना भी जरूरी है। मेकाले के अनुसार ये डायलॉग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डायलॉग किसका है। इसके अनुसार यूरोप के पुस्तकालय में अलमारी के एक तख्ता और अरब और भारत का संपूर्ण साहित्य उससे कहीं अधिक अच्छा है। मीन क्या हुआ, इनका कहने का मतलब ये है कि यूरोप का जो साहित्य है उसकी कोई एक भी किताब संपूर्ण अरब और भारत के साहित्य से कहीं अधिक उपयोगी है। ये लाइन बार बार पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा
1813 का चार्टर एक्ट, इसकी मुख्य बातें हमने देख ली है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट वुड डिस्पेच, उसे हम जानते हैं। 1854 का वुड डिस्पेच, अगर ये पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी तो बताना पड़ेगा 1853 का चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत मिस्टर वुड के निर्देशन में एक समिति गठित की गई थी। इसकी मुख्य बातें ये हैं कि इसमें महिला शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया और इसी के साथ लंदन विश्वविद्यालय पर आधारित 3 जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई। उनके नाम हैं कलकत्ता, बंबई और मद्रास, और इसी के आधार पर 1858 में इन तीनों जगह पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसी के साथ 5 स्थानों पर शिक्षा विभागों की स्थापना की गई और उनका कार्य प्रांतों को सौंप दिया गया। प्रांतों में एक लोक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की बात की गई। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा 1854 का वुड डिस्पेच, एक अन्य नाम से भी प्रचलित है। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पे ध्यान दिया जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन सा आएगा, तो 1854 का वुड डिस्पेच। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा वुड डिस्पेच के बारे में, और इसमें अगर वायसराय की बात की जाए तो ये डलहौजी के काल में आयोजित किया गया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882-83, इसके समय में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया और इसी के साथ महिला शिक्षा को भी महत्व दिया गया। महिला शिक्षा के लिए प्रथम पूछ लिया जाए तो वुड डिस्पेच ही बताना है, अन्य ऑप्शंस में भी आ जाए तो हंटर कमीशन भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेले कमीशन 1902। रेले कमीशन, इसके अंतर्गत थॉमस रेले, ये नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो थॉमस रेले की अध्यक्षता में रेले कमीशन बिठाया गया था। इसे हम विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जो विशेष बातें हैं वो ये है कि इसमें कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि स्थापित कब हुआ था तो 1902 ही बताया जाएगा, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि पारित कब हुआ था तो हमें 1904 बताना पड़ेगा। इसके अंतर्गत और बात की जाए तो शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति की बात की गई।
और अगर प्रथम महानिदेशक का नाम पूछ लिया जाता है तो उसका नाम है H.W. ऑरेंज। तो ये बातें थी मुख्य मुख्य रेलवे कमीशन के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे सरकारी प्रस्ताव 1913 में एक सरकारी रिपोर्ट आई थी जिसे हम सरकारी प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इसकी रूपरेखा किस पे डिपेंड थी, किस पे आधारित थी, ये भी जानना अति आवश्यक है। तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो मेथड काम में लिया था वो पहले इंडिया में और किसने काम में लिया था। अगर भारतीय रियासतों की बात की जाए तो बड़ौदा रियासत ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य शुरू किया था और इसी की तर्ज पर सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। लेकिन आप सभी को विदित होगा कि 1913 के जस्ट बाद में क्या हुआ था। 1913 के बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी की वजह से ये योजना विफल हो गई थी, यानी इसमें जो भी प्रस्ताव पारित किए गए थे वो लागू ही नहीं हो पाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स 1917 का सैंडलर आयोग। 1917 का सैंडलर आयोग, इसे हम एक अन्य नाम से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसने 1902 के रेलवे आयोग की भर्त्सना की थी, निंदा की थी। इसके अंतर्गत जो कार्य किया गया उसमें मुख्य है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग। इतिहास विषय को पढ़ने वाले स्टूडेंट अच्छी भले भांति समझते होंगे कि मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड है उसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था और इसी के साथ साथ इस शिक्षा आयोग के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि प्रांतों में शिक्षा मंत्री की व्यवस्था की जाए, यानी इस बात की वकालत की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा 1929 का हार्टोक समिति। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि शिक्षा का स्तर गांव में मिडिल सेक्शन तक ही रहना चाहिए और उसके अंतर्गत भी उसे औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र से जोड़ने की बात की गई। औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र, यानी स्टूडेंट्स को इसी के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वर्धा योजना 1937। इसे हम विनेटिका योजना या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी द्वारा ये शुरू की गई थी।
महात्मा गांधी जी द्वारा 1900 वर्धा के सम्मेलन के अंतर्गत इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसकी मुख्य बातें जो हैं, इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और इसी के साथ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो ये भी कहा गया। और इसी में ही व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबको ये भी विदित होगा कि 1937 के कुछ समय बाद क्या हुआ था, तो बता दूं आपको कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसके कारण ये योजना भी सफल नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं 1944 की सार्जेंट योजना। 1944 सार्जेंट योजना, इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु था 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना अंग्रेजों के समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए थे। इसी से संबंधित हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि भारतीय लोक सेवा, इसका गठन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे भारतीय लोक सेवा का जनक भी कहा जाता है। भारतीय लोक सेवा का एक अन्य नाम भी है, उसका नाम है इस्पात की चौखट। विशेष रूप से याद रखना है कि भारतीय लोक सेवा, इसका अन्य नाम भी है इस्पात की चौखट। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1948 में राधा कृष्ण आयोग गठित हुआ था और उसी की सिफारिश पर 1953 में UGC इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने पूर्ण रूप से जान लिया है कि अंग्रेजों के समय में भारत में शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।